नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूं। अभी जो वर्तमान समय है, इसमें हम सभी को पता है कि हम एक ऐसे महामारी से जूझ रहे हैं जिससे हमें लड़ना होगा। अब जब भी हम किसी जंग की बात करते हैं तो हमें हमारे पास इस लड़ाई को जीतने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो डिफेंस और दूसरा अटैक। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी के साथ कोरोना महामारी की बात कर रहा हूँ और इससे भी जीतने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम इसके लिए डिफेंस करें या फिर हम अटैक करें। डिफेंस हम अब तक करते आ रहे हैं और इसे अभी भी आगे हमें करना भी है। जहाँ हम मास्क का यूज़ कर रहे थे, हम अपने हैंड को सैनिटाइज कर रहे हैं और साथ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन कर रहे हैं। तो अब तक तो हम इन सारी चीज़ों के साथ चल रहे थे, बट अब समय आ गया है कि हम इस दुश्मन के साथ लड़ाई करें, क्योंकि ये दुश्मन ना तो हमें दिखाई दे रहा है ना इसके बारे में हम पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। तो अब इससे जो लड़ाई करनी है उसके लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है वो है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। तो हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर दो वैक्सीन है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। और हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि अब ये वैक्सीन बहुत ही बड़े पैमाने पे शुरू करा जा रहा है, जहां पर 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं इन सब की वैक्सीनेशन 1 मई यानी कि आज से शुरू की जा रही है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस टीकाकरण पंजीकरण को करने का तरीका क्या है, हम कैसे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप सभी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं तो आपके लिए ये टीकाकरण में आपको वैक्सीनेशन में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, उन स्टेप्स को मैं बताने वाला हूं। तो देखिए किस तरीके से आप खुद को इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ आपको जरूरी स्टेप्स हैं जिनको जानना जरूरी है, क्योंकि आप इन्हें जब प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करते हैं तो आप इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और खुद को वैक्सीनेट करके कोरोना के महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं और इस कोरोना की लड़ाई के जंग को जीत सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या स्टेप है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है, या तो आप कोविन ऐप, जो गवर्नमेंट की एक कोविन पोर्टल ऐप है, इस ऐप को आप मोबाइल में डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप kovin.gov.in यानी कि इस वेबसाइट पर आप लिंक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट को ओपन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है आरोग्य सेतु ऐप। इस तीनों तरीके में से किसी भी एक तरीके से आप ऑनलाइन खुद को घर बैठे रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, है ना। तो आपके लिए जो सबसे सही तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि आप kovin.gov.in इस वेबसाइट पर खुद को जाकर के रजिस्टर करें। और इस वेबसाइट पे आप खुद को किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं उनके सारे स्टेप्स मैं 1 by 1 आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। हम यहां पर बहुत सारे वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो आपके बहुत सारे प्रश्न हैं उनके भी सवाल ढूंढने की जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो उन सवालों का जवाब भी ढूंढने की यहां पर हम कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करें कि kovin.gov.in पर आप किस तरीके से खुद को रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि बाकी तीनों जगहों पर अगर आपको रजिस्टर करना है तो जो प्रोसेस है वो लगभग इसी तरह से सेम है, पर जो सबसे आसान तरीका है दैट इज कि आप वेबसाइट पे जाएं kovin.gov.in और उस ऐप उस वेबसाइट पे जाकर के आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अपने ब्राउजर पे सबसे पहले इस वेबसाइट को आप वहां पर सर्च कर लें। जब आप सर्च करते हैं तो आपको एक इस तरह का इंटरफेस खुलता हुआ नजर आएगा। मेरे दाएं तरफ जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ये है कोविन की जो पोर्टल ऐप है उसका इंटरफेस है। आप चाहो तो प्ले स्टोर से इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी रजिस्टर कर सकते हैं, और या फिर आप कोविन के वेबसाइट पे जाकर के भी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहली चीज है कि आपको एक ऐसा इंटरफेस खुलता हुआ नजर आएगा जहां पे वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और आपको खुद के मोबाइल नंबर को वहां पे रजिस्टर करना है। तो आप अपने मोबाइल नंबर को जैसे ही यहां पे डालते हैं तो वैसे ही आपको एक ओटीपी आती है आपके मोबाइल पर। आप उस ओटीपी को डालने के बाद आप रजिस्टर हो जाते हैं। अब दूसरे स्टेप में, दूसरे पेज पे आपको मिलता है एक पर्सनल डिटेल फिल करने का पेज, और इस पे आपको फिल करना है अपना जो आईडी प्रूफ है वो। ध्यान रखने वाली बात है कि आप उसी आईडी प्रूफ को यहां पर फिल करें जो आप वैक्सीनेशन सेंटर भी कैरी करेंगे, है ना। तो आप इसके अंदर कुछ भी अपनी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ डाल सकते हैं, जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, तो या ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर आपका फोटो भी लगा हुआ होना चाहिए। आप उन डिटेल्स को फिल करेंगे, डिटेल्स को फिल कर
करने के बाद आपको यहां पर अपने जितने भी आपके जो डिटेल्स हैं उनको फिल करेंगे। इनको फिल करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलने वाला है, और इस इंटरफेस के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आप अपने नजदीकी सेंटर का पता लगाना चाहते हैं तो आप अपना पिन कोड डालें, अपने एरिया का नाम डालें, और आपको आपके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो वहां पे आप स्लॉट बुक कर ले। जो लोग 18 साल से 44 साल के एज ग्रुप में आते हैं उनके लिए 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो वो 1 मई के बाद अपनी स्लॉट बुकिंग करें, और जो 45 से प्लस हैं वो 1 मई से पहले भी खुद को ये स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, और साथ के साथ अभी भी वो अपनी स्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान तरीके से आप रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हैं। पर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कोविड सेंटर, आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के भी खुद को रजिस्टर करना, तो आप जाकर भी कर सकते हैं। बट ये सजेस्टेबल ये होगा कि आप ये करें कि आप घर बैठे ऑनलाइन इस वेबसाइट के थ्रू खुद को रजिस्टर करें, है ना। तो ये कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात ये है कि आप खुद को रजिस्टर करने के बाद अपने फैमिली के 3 और लोगों को या अपने दोस्तों को 3 और लोगों को आप इसी नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप अपने साथ 3 लोगों को और भी यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप इस वाले पेज पे जब आएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और आप यहां पर ऐड मोड में जाकर के अपने फैमिली मेंबर्स में 3 और लोगों को यहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरोग्य सेतु पे अगर आप चाहते हो कि आरोग्य सेतु से आप ये रजिस्ट्रेशन करें, तो आरोग्य सेतु ऐप पर आप जाकर के अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करें, और फिर जिस तरीके से प्रोसेस आप cowin.gov.in वेबसाइट पर फॉलो कर रहे थे उसी वेबसाइट के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर लें। वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब खोजना हमें बहुत जरूरी है। तो मैं आपको उन सवालों के साथ रूबरू कराता हूं, और उनके जवाबों के साथ भी हम चलते हैं कि आखिर ये किस तरीके से हम इनके जवाब देख सकते हैं। तो कुछ वो प्रश्न जो वैक्सीन के बारे में बहुत बार लोगों के जहन में आते हैं, बहुत बार वो पूछ रहे होते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला सवाल आता है वो ये आता है, मुझे कौन सा वैक्सीन, क्योंकि हमारे भारत में 2 वैक्सीन्स हैं, एक है कोवैक्सीन, दूसरा है कोविशील्ड। तो लोगों के दिमाग में ये बात है कि हमारे लिए कौन सा बेहतर वैक्सीन है, क्या हमें वैक्सीन जो दूसरे वैक्सीन आने वाले हैं क्या उनके लिए वेट करना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब ये है कि आप भारत में बने हुए ये दोनों ही वैक्सीन जो हैं आपके पास, जो भी बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही वैक्सीन सारे मानकों पर बिल्कुल खड़े उतरे हैं, और इनकी जो एफिकेसी रेट है वो भी काफी अच्छी है। तो आप दोनों में से कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो कोवैक्सीन है, अगर आप कोवैक्सीन का पहला डोज लेते हैं तो दूसरे डोज को लेने के बीच का जो अंतराल होना चाहिए वो आपके पास कम से कम 4 हफ्तों का होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोविशील्ड ले रहे हैं तो कोविशील्ड के पहले डोज के बाद दूसरे डोज के बीच का जो अंतराल होना चाहिए वो आपका 6 से 8 हफ्ते का होना चाहिए। यानी हमें अंतराल देखना होगा। हम अगर कोवैक्सीन ले रहे हैं तो अंतराल जो है वो 4 हफ्ते का होना चाहिए, कोविशील्ड ले रहे हैं तो अंतराल 6 से 8 हफ्ते का होना चाहिए, क्योंकि पहले डोज के बाद आपकी बॉडी इम्यूनिटी बनाती है, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है, तो हमें जरूरी है कि ये अंतराल मेंटेन करना होगा। तो आपके जहन में अगर ये सवाल उठ रहा है कौन सी वैक्सीन बेहतर है, तो इस सवाल के पीछे मत आप भागिए, क्योंकि आपके लिए जरूरी है कि ये दोनों ही वैक्सीन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके पास जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आप उस वैक्सीन का जल्द से जल्द आप अपने आप को उस वैक्सीन से वैक्सीनेट करें, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो आप इस बात को के बारे में मत सोचें कौन बेहतर, क्योंकि दोनों ही बेहतरीन है, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। चलिए, दूसरा जो सवाल आपके दिमाग में आता है वो आता है, टीकाकरण के बाद मुझे कोरोना से इम्यूनिटी कब मिलेगी। बहुत सारे लोग एक चीज यहां समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो आप टीकाकरण करवा लेते हो तो फिर से कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, तो क्या ये सामान्य है। तो बिल्कुल ये सामान्य, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो हम ये समझते हैं कि टीकाकरण के बाद मुझे कोरोना से इम्यूनिटी कब मिलेगी। तो देखिए, टीकाकरण में आपको पता है कि 2 डोजेज हैं, पहले डोज के बाद दूसरे डोज के बीच में आपको एक अंतराल रखना पड़ता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट डोज है उसके बाद आपकी बॉडी 50% इम्यूनिटी बना लेती है, और पूर्णतः इम्यूनिटी के लिए आपको दूसरा डोज लेना पड़ता है। तो कोरोना से आपको इम्यूनिटी अगर चाहिए तो टीकाकरण के बाद आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ता है, और ये समय अंतराल जो
है वो 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच का है, क्योंकि आपकी बॉडी समय लेती है इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, एंटीबॉडीज को बनाने के लिए, तो आपको इस समय का इंतजार करना पड़ता है। और इस समय जब ये बन जाता है तो आपकी बॉडी पूरी तरह से तैयार हो जाती है कोरोना से लड़ने के लिए। तो वैक्सीन के 4 हफ्ते पहले डोज और वैक्सीन के 4 हफ्ते बाद आपको दूसरा डोज लेना है, तो इस वक्त आपकी बॉडी इम्यूनिटी तैयार करती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरी बात आती है टीकाकरण के बाद मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो टीकाकरण के बाद भी आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है, क्योंकि टीकाकरण के बाद ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा कोरोना नहीं हो सकता है, क्योंकि टीकाकरण के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, पर अब ये जो कोरोना है वो आपको काफी ज्यादा परेशान नहीं करेगा, तो आपकी परेशानियां जो हैं वो कम हो सकती हैं, पर इन्फेक्शन का रेट अभी भी वहां पर है, आप अभी भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, बट आपको ये जो वैक्सीन है वो आपके इस बीमारी को जानलेवा होने से बचाता है, तो हमें सावधानियां रखनी पड़ेंगी। मास्क हमें तब भी लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उस वक्त भी करना है, और हमें हैंड सैनिटाइज भी करना है, और ये हमें तब तक करना है जब पूरी तरह से हम कोरोना को खत्म ना कर दें। वैक्सीनेशन आपकी जान को बचाने में हेल्प करने वाला है, दोबारा कोरोना होने के लिए आप इसमें इन वैक्सीन्स में आपको दोबारा कोरोना हो सकते हैं, बहुत कम चांसे पर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको घबराना नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में ऐसा देखा भी जाता है कि उनकी तबियत में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है, उनकी तबियत खराब हो सकती है, तो ये कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है ना, सूजन की प्रॉब्लम आ सकती है, पर ये बिल्कुल सामान्य है, इसमें कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, हमें उनसे घबराना नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी तैयार हो रही है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो रही है, तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहें। चलिए कुछ और सवाल हैं इस वैक्सीनेशन को लेकर के, क्या वैक्सीन दिल के मरीजों और मधुमेह के लिए सुरक्षित है। बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि क्या ये दिल के मरीजों के लिए या जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है ना, उनके लिए भी क्या ये वैक्सीन सही होगा। तो बिल्कुल जवाब है हाँ। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये वैक्सीन बनाई गई थी तो सबसे पहले जो प्राथमिकता थी वो इन्हीं मरीजों को देख करके बनाया गया था, क्योंकि कोरोना वैक्सीन से जो सबसे ज्यादा कोरोना की जो दवा है उससे जो सबसे ज्यादा खतरा है, कोरोना की जो बीमारी है उससे जो सबसे ज्यादा खतरा था वो खतरा इसी जो खतरा था वो सबसे ज्यादा इन दिल के मरीजों और डायबिटिक पेशेंट्स को था। तो वहां पर ये खतरा इस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करता है कि ये वैक्सीन इन दिल के मरीजों को, इन डायबिटिक पेशेंट्स को वहां पर सेफगार्ड करने में हेल्प करता है। तो हाँ, ये वैक्सीन जो है वो दिल के मरीज यानी जो कार्डियक पेशेंट है या फिर जो डायबिटिक पेशेंट है उन सब के लिए बहुत ही कारगर है और उन सब के लिए भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर ऐसे लोग हैं तो इनको वैक्सीनेट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके जान को खतरा हो सकता है कोरोना के वजह से, तो उनको बचाने के लिए वैक्सीन उनको हेल्प कर सकती है। चलिए एक और सवाल है मुझे वैक्सीन की, ये भी बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर जवाब चाहते हैं। मुझे वैक्सीन की पहली खुराक मिली है और फिर कोविड संक्रमण हुआ है, मुझे दूसरी खुराक कब लेनी चाहिए। एक और ऐसा सवाल जहां पर ये है कि अगर मान लो कोई पर्सन कोविड पॉजिटिव है, अब उसे वैक्सीनेशन लेना है, तो क्या कोविड पॉजिटिव पर्सन वैक्सीनेशन लेने जाए। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कोविड पॉजिटिव है या फिर आपने पहला डोज लिया और पहले डोज के बाद आप कोविड पॉजिटिव हो गए तो दूसरा डोज कब ले, इन सवालों के जवाब को समझना होगा हमें। अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो पहला डोज लेने के लिए आपको 8 हफ्तों का इंतजार करना चाहिए, है ना, यानी अगर आज के डेट में कोविड पॉजिटिव अगर आप हो जाते हो तो आप 8 हफ्ते इंतजार करिए, उसके बाद आप वैक्सीनेशन का पहला डोज ले। दूसरे जगह पे अगर आपने पहला डोज लिया था और पहले डोज के बाद आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो दूसरे डोज को लेने के लिए आप 8 हफ्तों का इंतजार करें, यानी कि जब आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको 8 हफ्ते इंतजार करना होगा दूसरे डोज के लिए। ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कोरोना से लेकर के, कोरोना वैक्सीन को लेकर के आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं उन सवालों का जवाब आप ढूंढें और सही जवाब ढूंढें और इस पर विराम लगाएं। और आप सभी के लिए बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन, अपने आप को टीकाकरण केंद्र तक ले जाएं, अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें यह करना जरूरी है। इसलिए जो सबसे बड़ा सवाल आपके पास आता है, सबसे बड़ा जो संदेह है वो यही है आपका, क्या टीकाकरण आवश्यक है। जवाब है हाँ।
क्योंकि अगर आप अपने इस दुश्मन को हराना चाहते हो और चाहते हो कि कोरोना के इस महामारी से हम बाहर निकले और हम अपनी एक नॉर्मल डेली रूटीन जिस तरह से हम फॉलो किया करते थे उसको फॉलो करें, तो जो हथियार है इस वायरस को हराने के लिए वो है आपका वैक्सीन। और इस वैक्सीन के लिए आपको इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। खुद को भी वैक्सीनेट करें और साथ के साथ अपने आस पास के लोगों को भी जागरूक करें, अवेयर करें। अगर उनके मन में किसी तरह का कोई संदेह आ रहा है तो संदेह को दूर करें और उन्हें बताएं कि टीकाकरण बहुत ही जरूरी है, इसीलिए सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। और आज से 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा लोगों के लिए भी, 18 वर्ष से जो ज्यादा हैं उन सभी के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। वो जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर करें और अपनी स्लॉट बुकिंग करके खुद को अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के खुद को वैक्सीनेट जरूर कराएं। तो ये बिल्कुल आपके लिए क्लियर होना चाहिए, वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। तो ये बात जरूरी है, इन बातों को फॉलो करना जरूरी है। तो आपके लिए हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, इकरियर पॉइंट टीम आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही है कि गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, अपने आप को वैक्सीनेट करें, साथ के साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। तो आप सभी इन चीजों को जरूर करें और सिर्फ वैक्सीनेशन से काम नहीं चलेगा, वैक्सीनेशन के बाद आपको सावधानी भी रखना है। तो हमें इस स्लोगन को बिल्कुल फॉलो करना है, दैट इज कि दवाई भी और कड़ाई भी, यानी दवाई भी लेना है उसके बाद भी कुछ समय के लिए हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, हमें अभी कड़ाई करनी है, हमें मास्क का यूज करना है, हमें हैंड सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। क्योंकि दवाओं से आप अपने आप को बचाओगे तो सही, पर आपको साथ के साथ कराई भी करना है ताकि ये इन्फेक्शन ज्यादा फैले नहीं। तो आपको ये काम करना जरूरी है, दवाई भी और कराई भी। तो इकरे पॉइंट की पूरी टीम आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करती है कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं और कोरोना की इस लड़ाई को जीतने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, है ना। तो आप सभी जल्द से जल्द अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और खुद को वैक्सीनेट कराएं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स उनमें शेयर करें। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर करते रहें। धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद।